कैसे हैं आप सब? आई होप आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो चलिए आगे चलते हैं, आज हम उसके आगे चलेंगे। ये थर्ड वीडियो है हमारी और इसमें हम आज करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं निशान लगा देता हूँ, ये जो आपको रेड कलर से मैंने निशान लगाया, यहाँ पर हैं हम। तो यहाँ से आज हम करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं क्या। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल्स क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लॉ, होए एंड कल्टीवेटर। जो आपका मेन टूल होता है कल्टीवेट करने के लिए, जो हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उसमें जो आपको टूल्स लगते हैं वो मेन आपके क्या हैं, प्लॉ, होए एंड कल्टीवेटर। इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो आपने देखा भी होगा कि जब गांव में जाते हैं खेतों में, तो इस तरह से इसमें पिक्चर भी बनी है आपके बुक में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लॉ, यानी हल बोलते हैं हिंदी में, तो आप देख सकते हो। तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लॉ। अब ये प्लॉ के बारे में बता रहे हैं तो समझिएगा, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था प्लॉ के बारे में, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। तो आपने जैसे अभी पिक्चर में देखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं दो बुल के ऊपर ये लकड़ी के जो प्लॉ होते हैं ये रखे जाते हैं, और इससे फिर मिट्टी को लूज़ किया जाता है या टर्न किया जाता है। तो टर्निंग के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके आगे चलते हैं हम। ओके, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ अ शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। ऑन वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजली ऑपरेट द प्लॉ। द इंडिजनस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लॉ नाउडेज। ठीक है, अब क्या है, जो पहले हल जो चलते थे पुराने ज़माने में हल का यूज़ किया जाता था, अब उनकी जगह पे आप ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पिक्चर दिखाई है उससे आप समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं हो क्या है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। तो आप होए की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह का होए होता है, और ये लूज़ करने के लिए सॉइल को और सीड को डीप अंडर सॉइल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और इसको एनिमल के थ्रू इसको खींचा जाता है। आगे चलते हैं हम कल्टीवेटर। अब इस समय जो नए ज़माने में आपने देखा भी होगा, जब गांव वगैरह जाते होगे आप लोग, तो कई लोगों ने देखा होगा कि वहाँ ट्रैक्टर से अब मिट्टी को खोदा जाता है और सारा काम ट्रैक्टर से किया जाता है। तो नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, और इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और ये क्या करता है, जो हमारी श्रम को बचाता है, श्रम यानी लेबर, ओके, एंड टाइम यानी कि समय भी बचाता है, कि जो काम ज़्यादा दिन लेता था वो अब कम समय में हो जाया करता है। इसके बाद चलते हैं सोइंग। जब ये मिट्टी तैयार हो जाती है
आप उसको टर्न कर लेते हैं तो उसके बाद प्रोसेस आता है सोइंग का, यानी 1.4 पे हम सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बीज यूज़ करना चाहिए, और वो करते भी हैं ताकि उससे ज़्यादा पैदावार हो सके किसी भी फसल की। आफ्टर लूजनिंग द सॉइल दे डू सोइंग, वो सोइंग करते हैं, उसमें बीज उगाते हैं और वो अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ करते हैं। ओके तो चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं फार्मर्स। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स, ग्राम सीड्स इन अ वेजल एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ समय बाद क्या हुआ कि फ्लोट होने लगा, उसमें कुछ सीड्स पानी में उसकी मदर ने डाला और वो क्या करने लगे, फ्लोट होने लगे, फ्लोट यानी तैरने लगे पानी में। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब आप भी कई बार देखते होंगे कि घरों में कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें कुछ हम बीज को हम भिगोते हैं, तो उसमें कई बीज ऐसे होते हैं जो ऊपर तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको खुद भी पता लग जाएगा जब आप करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ बीज जो उसमें होते हैं वो ख़राब होते हैं, दे आर डेड, और वो पूरी तरह से सूखे होते हैं, पूरी तरह से ख़राब होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। या कई बार आप चावल धोते हो घरों में, तो मम्मी धोती हैं तो उन्होंने, उनके सामने आप गए होगे तो देखा होगा आपने कि जो जो ख़राब सीड्स होते हैं यानी कि चावल के जो धान होते हैं पैडी, वो ख़राब जो होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, और उसमें से जो ख़राब चावल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और वो ऊपर आने के बाद उसको पॉर कर लेते हैं, उसको निकाल लिया जाता है। तो ये एक्टिविटी 1.1 में भी बताया गया, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुल अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल। आप क्या करें, एक हाथ एक मुट्ठी आपने सीड को लेना है गेहूं को, और उसको पानी के अंदर डाल देना है। पानी के अंदर जब डालेंगे तो जो अच्छे सीड्स होंगे वो पानी में बैठ जाएंगे, और जो खराब होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे, फ्लोट करने लगेंगे। तो इसके आगे चलते हैं। देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या जब आपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर, तो उसमें क्या देखा आपने कि वो जो बेकार सीड्स थे वो पानी के ऊपर आ गए क्या? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर। जब आप करके देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ख़राब बीज हैं वो फ्लोट करने लगेंगे यानी कि पानी के ऊपर आ जाएंगे, और जो भारी होंगे वो नीचे चले जाएंगे यानी कि वो बीज अच्छे हैं। तो दोज विद सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों हैं? सीधी सी बात है कि अगर उन वो बीज ख़राब होंगे, उनके अंदर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो खोखले होंगे, और खोखले होंगे तो इसलिए वो हल्के होंगे, और हल्के होंगे तो वो पानी पे ऊपर तैरने लगेंगे। तो वही इसका आंसर है, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला, एंड आर दस लाइटर, इसलिए वो क्या होंगे, हल्के हो जाएंगे, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए यही वजह है कि वो हल्के होने के कारण पानी पर तैरने लगेंगे। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ठीक है, ये एक बढ़िया तरीका होता है कि अच्छे सीड्स को निकालने का बढ़िया तरीका। ठीक है, तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे टूल्स को। तो पहला टूल आता है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल जो हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है उसको हम ट्रेडिशनल टूल कहते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो फनल टाइप का होता है, फनल का मतलब होता है कि कभी आपने देखा होगा तेल की कुप्पी जिसमें से तेल डाला जाता है, तो पेट्रोल वगैरह कुप्पी देख सकते हो आप कहीं पर, तो वो कुप्पी कहलाती है, उसको बोलते हैं फनल। तो फनल टाइप का जो टूल है वो होता है जिससे कि द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल, फनल के अंदर डाला जाता है, पास डाउन थ्रू द टू और थ्री पाइप्स, और वो पाइप टू और थ्री पाइप्स के साथ पास होती है, हैविंग शार्प एंड्स, और उनका एंड जो होता है शार्प होता है। दीज एंड्स पेयर्स इन टू द सॉइल एंड प्लेस दीज सीड्स देयर। तो होता है क्या, जब फनल के थ्रू जब सीड्स हम डालते हैं वो सीधे आपका जमीन में सॉइल के अंदर
मिलता चला जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो है फनल है, ठीक है, जो ग्रे कलर में दिख रहा है आपको फनल है, ठीक है, और उसमें बीज डालते जाते हैं और वो बीज सॉइल में मिक्स होता चला जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग है ये, ठीक है, आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे हम। नाउ सीड ड्रिल, द नेक्स्ट इज सीड ड्रिल, ठीक है, मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पर आपका है सीड ड्रिल, ओके। तो सीड ड्रिल क्या है? नाउ अ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2b इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और दूसरा क्या है? ट्रैक्टर के थ्रू उसको सोइंग किया जाता है, यानी बीज उगाना। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जो ट्रैक्टर के थ्रू होता है उससे आपका टाइम और लेबर सेफ होती है। बट उसमें होता क्या है कि जब ये दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स, और ये ट्रैक्टर के थ्रू जब हम करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है किससे? जो हमारे बर्ड्स हैं उन बीज को ना खा पाए। पहले के समय में क्या करते थे कि हाथ से छीट दिया करते थे बीजों को, और वो क्या होता था, बीज जो होते थे वो मिट्टी के ऊपरी रह जाते थे, जिस वजह से बहुत सारे बीज जो है वो चिड़िया पहले ही चुग जाती थी। तो जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उस समय पहले ही चिड़िया उग जाएगी, तो क्रॉप्स क्या होगे, ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं मिल पाएगी। तो उससे बचने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि सीड्स जो है डीपली सॉइल के अंदर चले जाएँ, ताकि वो जो बर्ड्स हैं वो उसको खा ना सकें। देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। अब बूझो जो है वो बोलता है, देर इज़ अ नर्सरी नियर बाय माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस? वो आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो बैग के अंदर होते हैं और उसमें मिट्टी होती है, तो उसको ऐसे क्यों रखते हैं? तो इसके आगे देखो, पहली बोलती है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, यानी कि पैडी जो है धान है, ठीक है, आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। और जो पैडी होता है वो पहले नर्सरी में उगाया जाता है, नर्सरी इन द सेंस कि पहले उसको छोटे छोटे उसमें रख लिया जाता है पैकेट बना के। वेन दे ग्रो इन टू सीडलिंग, जब वो उग जाते हैं, थोड़ी सी उसमें जड़ आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। और वो खेतों में क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो इसी तरह से करते हैं, पहले चावल को पहले डाल के थोड़ा सा उगा लिया जाता है, उगाने के बाद फिर उसको उखाड़ लिया जाता है, और उखाड़ने के बाद उसको कुछ समय बाद, दो चार दिन बाद, जो भी समय होता है उनका, उसमें जाके वापस वो उसको उगाते हैं डीप इन टू सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से उसको गाड़ा जाता है ताकि वो अपनी पकड़ जड़ बना सकें। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। जो आपके कुछ फ्लावर्स और कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं इसी तरह से। पहले उनको क्या करते हैं कि नर्सरी में थोड़े से जड़ उनकी निकाल ली जाती है, यानी कि उसको पूरा प्लांट के रूप में लाने से पहले उसको पहले थोड़ा सा उगा लिया जाता है और फिर उसको ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह में उसको भेजा जाता है दोबारा से उगने के लिए। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब इसका मतलब क्या है कि जब हम seedling करते हैं, यानी कि जब seeds को उगाया जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि जो seeds हैं उनके उगाने में डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, इक्वली डिस्टेंस या थोड़ी थोड़ी दूर पे उसको उगाया जाता है। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि जो दूसरा प्लांट है वो एक के ऊपर नहीं आते, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी मात्रा में हमारी फसल खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। सनलाइट और जो दूसरे पौधे हैं एक के ऊपर एक ना आए, और उसके साथ साथ उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर उनको प्रॉपर मिल सके सॉइल से।
तो ये उसका एक रीज़न है कि उसमें डिस्टेंस बना के सीड्स को उगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 1.5, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर क्या है? खाद, ठीक है, और फर्टिलाइजर भी आपकी खाद ही है। और यहाँ पर क्या है, ये मैन्युअली बनाई जाती है मैन्योर, ठीक है, काउ डंक वगैरह इनसे मैन्योर बनाते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। तो चलते हैं आगे। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हाँ, अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिले पौधों को, इसलिए किसान क्या करते हैं, यूज मैन्योर का यूज करते हैं और फर्टिलाइजर्स का। कुछ किसान मैन्योर का यूज करते हैं वो घर में ही बना के करते हैं, जैसे कि गाय भैंसों से जो काव डंक निकलता है, गोबर निकलता है, उसको खेत में फेंक देते हैं, या सड़ी गली जो भी सब्जियां हैं, जो घास फूस है और ये जो चीज़ें सड़ जाती हैं घरों में उनके, किसानों के, तो वो उसको उठा के पास बना के और खेतों में फेंक दिया जाता है। और वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि बाजार से लिया जाता है, इसको पैसों में खरीदा जाता है और बाजार से लाके, और ये केमिकली मेड होते हैं, ये फैक्ट्री से केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, और इसको उठा के फिर किसान क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं ताकि प्लांट्स को अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन विच इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। ऐसा क्यों हुआ कि बगल में उन्होंने देखा कि कुछ तो हेल्दी हैं क्रॉप, और कुछ के फार्म में क्या हुआ कि कुछ प्लांट्स जो हैं वीक थे। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी के तो बहुत हेल्दी हो गए और किसी के बहुत वीक निकले, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके आगे चलते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उनके प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में कई तरह की क्रॉप्स उगाते हैं फार्मर्स। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब बैक टू बैक क्रॉप्स उगाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे ले जाते हैं। जैसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, गेहूं उगाई। अब गेहूं जब उगा तो मिट्टी में जितनी भी आपके न्यूट्रिएंट्स थे वो गेहूं ले गया। अब गेहूं जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में थी वो आपकी गेहूं ले गया। अगर गेहूं ले गया तो आप जब दूसरा फसल आप उगाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसके लिए उसको थोड़े से गैप दिया जाता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के लिए मैन्योर का यूज़ किया जाता है, खाद बना के उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, तो वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है और फिर आफ्टर सम टाइम उसके बाद दूसरी क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। नाउ कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम लगातार, या फार्मर्स लगातार क्रॉपिंग करेंगे, जो फार्मर्स हैं लगातार क्रॉप्स उगाएंगे और उसको हार्वेस्ट करेंगे और उसको कुछ समय के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो बिल्कुल पुअर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाएंगे। तो यही वजह होगी कि जब वो क्रॉप उगाएगा तो उसके क्रॉप या तो ख़राब हो जाएगी, या तो उगेगी नहीं, या फिर जो उगेगी तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ जो ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो सकता है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि farmers यही करते हैं अपनी strategy में कि वो after one cropping, एक cropping करने के बाद वो दूसरी cropping के लिए कुछ समय लेते हैं, या उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, और उसमें cow dung और ये इस तरह के manuring करते रहते हैं ताकि उसमें nutrients आ जाए। कोई भी जानवर अगर मरता है तो उसको उस सॉइल में मिला दिया जाता है, या उसके अंदर फेंक देते हैं, उसको दबा दिया जाता है, ताकि जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो डीकम्पोज होने के बाद, वो न्यूट्रिएंट्स उसके मिट्टी में मिल जाएं। ओके, तो इसको बोलते हैं मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। ठीक है, अगर किसान जो हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर वे में अगर उसको मैन्यूरिंग करते हैं, या
अच्छे से उसकी मैनेजिंग नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो प्लांट्स होंगे वीक होंगे, यानी कि उनके बीज जो होंगे कई सड़े हुए होंगे या उसमें जल्दी कीड़े लग जाएंगे, या उसमें ये हो सकता है कि वो प्रॉपर उसमें जैसे कई फलियां निकलती हैं उसमें एक आध फली निकलेगी, एक दो फली निकलेगी, तो उससे क्या होगा अनाज की कमी आएगी उनके पास। ओके, जो क्रॉप्स होंगे वो कम मात्रा में निकलेंगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्टेज। तो मैन्योर जो होता है वो प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से निकलता है, यानी कि डीकम्पोज होता है, जो डीकम्पोज हो जाता है प्लांट और एनिमल का वेस्ट उससे मैन्योर बनता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट वन ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो काउ डंक और जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको खुले में वहाँ छोड़ दिया जाता है और वो उस पर क्या करते हैं बैक्टीरिया फीड करते हैं, फीड इन द सेंस कि उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं उनको धीरे धीरे डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपने कई बार घरों में देखा होगा कि कभी चूहा मर जाता है तो क्या होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो उसको डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद आपको क्या आती है स्मेल आने लगती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है वो सड़ने लगता है, और वो जब सड़ने लगता है इसका मतलब क्या होता है डीकम्पोज हो रहा है, वो जो बॉडी है वो पूरी डीकम्पोज हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो वो डीकम्पोज होकर जाती कहाँ है, वो जाती मिट्टी में, यानी उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बॉडी के वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ओके, द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये एक्टिविटी है कुछ। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, आई होप आपको ये पार्ट 3 समझ में आया होगा, यदि आपको नहीं आया है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें और डीपली इसको सुने, ध्यान से सुनेंगे ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके आंसर्स आपको दे सकता हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।